हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम बात करने जा रहे हैं दृश्यम 2 मूवी की। और जहां तक आप लोगों ने इसकी पहली पार्ट देखी होगी, क्योंकि दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहानी कब पलट गई। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी से, जो एक दूसरे आदमी को ड्रग्स डिलीवर करने जा रहा होता है। पर वो आदमी डेविड को पैसे नहीं देता है। इन दोनों में तभी झड़प होती है, जिसमें उस आदमी को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। और डेविड को गोली चलाते हुए पुलिस देख लेती है। डेविड भागते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ पहुंचता है। वहां पर विजय यानी अजय देवगन फावड़ा लेकर वहां से बाहर निकल रहा होता है। आज डेट होती है 2 अक्टूबर 2014, मतलब आज के दिन ही सैम का मर्डर हुआ था। डेविड को पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 7 साल के बाद। यहाँ विजय की फैमिली अभी भी उस वाक्य से डरी हुई होती है। उन्हें डर होता है कि कहीं पुलिस को सैम की बॉडी ना मिल जाए, और वो इधर उधर खुदाई करते रहते हैं। विजय इस बीच केवल ऑपरेटर से ही थिएटर का मालिक बन चुका होता है। वो अपनी एक खुद स्टोरी लिखना चाहता था और इसके लिए वो डायरेक्टर से मिलता है, पर डायरेक्टर को उसकी स्टोरी काफ़ी पसंद नहीं आती है। आगे हम गायतोंडे को देखते हैं, जो कि 7 सालों से सस्पेंड था और यह इस केस के बारे में सब कुछ जानता था। IG सर गायतोंडे को अपने घर पर बुलाते हैं, क्योंकि वो विजय का केस दोबारा ओपन करने वाले हैं। तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की। वो भी लंदन से वापस आ गई है और उन्हें पता है कि सब कुछ विजय ने ही किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि सबको पता चल गया होता है कि विजय का केस ओपन होने वाला है। और विजय के पड़ोस में एक हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं, जो काफ़ी ओल्ड हैं, पर ये हमेशा लड़ते रहते हैं। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों खुफिया पुलिस वाले हैं और यह विजय की फैमिली पर नज़र रखते हैं, और उन्होंने पूजा के घर में माइक्रोफोन लगा के रखे हैं ताकि वो उनकी बातें सुन सके। पर विजय की फैमिली इस मर्डर के बारे में कोई बात ही नहीं करती है, क्योंकि वह खुद नहीं जानती कि बॉडी कहाँ पर है। इस बारे में केवल विजय को पता है। पुलिस इस बात का ऐलान करती है कि जो भी इस बारे में कुछ भी बताएगा, उसे 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह खबर डेविड को भी पहुंचती है, क्योंकि डेविड भी अब जेल से बाहर निकल चुका है। डेविड पुलिस स्टेशन पहुंचता है और IG को बताता है कि उसे इस केस के बारे में पता है। उसने उस रात विजय को देखा हुआ था और उसे यह भी पता है कि वो बॉडी कहां पर है, पर इस बात के लिए उसे 25 लाख चाहिए होते हैं और पुलिस वालों को इसे 25 लाख देने ही पड़ते हैं। इसके बाद वो IG को बताता है कि वो बॉडी उस रात को इसी जगह पर दफनाई गई थी, मतलब जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यानी इसी पुलिस स्टेशन के नीचे। पुलिस वाले बिना देर किए हुए उस जगह की खुदाई स्टार्ट कर देते हैं। विजया सब अपने ऑफिस के सामने से देख रहा होता है। वह भी इस बात से काफ़ी डर जाता है। पुलिस को बॉडी मिल जाती है, लेकिन उस बॉडी को दफनाए हुए 7 साल हो गए होते हैं, तो केवल हड्डियां ही मिल पाती हैं। और पुलिस को कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ की मोहलत भी मिल जाती है। अब वो विजय और उसकी पूरी फैमिली को बुला लेते हैं। IG सर विजय से पूछताछ करते हैं, पर वह कुछ भी नहीं बोलता है। वह सिर्फ इतना बोलता है कि वह रात को अपने ऑफिस में था। फिर इसके बाद IG दूसरी तरकीब अपनाते हैं। दूसरे रूम में वह उसकी फैमिली पर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। गायतोंडे उनकी फैमिली को मारने लगता है और वहाँ पर मीरा भी मौजूद होती है। विजय उनसे ऐसा ना करने के लिए बोलता है, लेकिन IG अपनी बात पर अड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। और लास्ट में विजय अपनी हर गलती मान लेता है और यह बोल देता है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें वह बताता है कि उस रात को वह 2 बजे अपने ऑफिस में शराब पी रहा था। उसके बाद जब वो घर जाता है तो उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ रहता है और अंदर जाने पर उस पर किस आदमी ने अटैक कर दिया था, और इसी झड़प में एक सरिया उस आदमी के सर पर वार हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई और उसने उसकी लाश को इसी पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दिया था। और कन्फेशन करने के बाद जब विजय घर पहुंचता है तो उसकी फैमिली बहुत दुखी होती है। अगले दिन उसे कोर्ट ले जाया जाता है, क्योंकि अब पुलिस को उसकी कस्टडी मिलने वाली थी। IG बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि विजय का केस सॉल्व कर दिया। यहाँ पर मीरा भी होती है, तभी उस सामने उसे एक आदमी मिलने आता है। ये आदमी और कोई नहीं, विजय की मूवी का डायरेक्टर होता है, और वो उससे बताता है कि विजय की मुलाकात उससे 2016 में हुई थी और वह अपनी मूवी की स्टोरी भी खुद लिखना चाहता था। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों मिलकर इस फिल्म की स्टोरी को लिखेंगे, पर वह क्लाइमेक्स में अटक जा रहे थे। डायरेक्टर बोलता है कि दरअसल ये स्टोरी विजय की बायोपिक है, इसमें उसने उसके लिए भी सारी बातें लिखी हैं, क्योंकि यह उसकी खुद की स्टोरी है। और विजय को इस स्टोरी का कॉपीराइट का डर था, इसलिए उसने उस बुक को भी पब्लिश करवा दिया था।
और वो बुक उस डायरेक्टर के नाम से पब्लिश थी। वो ये बात बता ही रहा होता है कि गायतोंडे को फोन आता है और वह कहता है कि यहाँ पर बाजी पूरी पलट चुकी है। कोर्ट पे विजय अपने बयान से मुकर जाता है और वह कहता है कि उससे यह सारा बयान जबरदस्ती पुलिस वालों ने रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉवल से उठाई गई हैं। जब जज इस चीज़ को चेक करते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि सारी चीज़ें एक नॉवल में लिखी हुई थी, और साथ साथ ये भी पता चलता है कि जिस बॉडी को दया ने पुलिस वालों ने कोर्ट में भेजा था वो समीर का मैच ही नहीं करता। और इधर डायरेक्टर आईजी को बताता है कि क्लाइमेक्स जानने के लिए विजय अपने घर जाने के बाद फिर से एक बार मेरे घर आया था, और वह मुझसे यह पूछता है कि अगर पुलिस वालों को वो बॉडी मिल जाती है इसके बाद क्या होगा। और यही हमें पता चलता है कि जब वो समीर की बॉडी को पुलिस स्टेशन में तलाश कर रहा था तभी उसकी दोस्ती कब्रिस्तान में काम करने वाले एक व्यक्ति से होती है, और वो वहाँ से समीर के बराबर ही एक बॉडी का स्केलेटन खाता है और उन दोनों को चेंज कर देता है और समीर की बॉडी का स्केलेटन को जला देता है। इस तरह से किसी के पास कोई सबूत ही नहीं बचता और जज भी विजय को रिहा कर देते हैं, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस कहानी ने एक बार फिर हमें निराश नहीं किया, क्योंकि दृश्यम फर्स्ट पार्ट से हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी और उसकी सेकेंड पार्ट को भी उतना ही थ्रिलिंग बनाया गया है। तो आपका क्या ओपिनियन है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आपसे जल्द मिलेंगे ऐसी एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक यू।